तो बहनों, मेरी बहनों, इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचाना। तुम मर जाना बिना विवाह के, काना कुबरा लंगड़ा लूला, इसको स्वीकार कर लेना। बहन, मेरी बहन, अगर मुझे मानते हो तो मैं भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना करूंगा, स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का, क्योंकि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, फिर तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा। वो काल नेमी बनकर आएगा, वो अगर काल नेमी बनकर आए तो मेरी भारत की बेटियों, मेरी भारत की बहनों, तुम रानी लक्ष्मी माई और दुर्गा बन जाना। तुम्हें अब रानी लक्ष्मी माई बनना पड़ेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और चंबल की बहनों, तुम पर कम असर है क्या रानी लक्ष्मी माई का? ऐसे विधर्मियों के खिलाफ तुम भी मोर्चा खोलो, और कोई सनातन के खिलाफ या तुम्हारी किसी सहेली को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति बहला रहा हो, फुसला रहा हो, माया जाल फैला रहा हो, बहन मेरी प्रार्थना है, हो सके तो उसका पुरजोर विरोध करना। क्योंकि पहले वो व्यक्ति कलावा बांध कर आएगा, पहले तुम्हारे गरबा महोत्सव में, नवरात्रि में गरबा में आएगा, और अगर कुछ बोलो तो लोग कहते हैं, गुरुजी आप नफरत फैला रहे हो, भाईचारा चलाओ। भाईचारा भर क्यों, बहनचारा भी होना चाहिए। गरबा में केवल वो मुसलमान भाई क्यों आते हैं, बहनों को भी उन्हें लेकर आना चाहिए। भाईचारा भर क्यों, भाई बहन चारा चलाओ, वो भी लेकर आए गरबा में, वो भी अपनी माताओं को, अपनी बहनों को लाए। हमारी बहनें जाती हैं गरबा में, महोत्सव में, वो भी लेकर आए। लेकिन नहीं, अगर कुछ बोलो तो कहते गुरुजी तो आद फैलाते हैं, बागेश्वर गुरुजी के बिगड़े बोल, बागेश्वर महाराज के भड़काऊ भाषण, ठटरी के बरे नकटा। तुझे सनातन की एकता की बात भड़काऊ नजर आती है, हिंदुत्व एकता की बात भड़काऊ नजर आती है, भारत के संत एक मंच पर हो जाए ये बात बोले तो तुझे नफरत, तुझे हम भड़काऊ नजर आती है। बुरा मत मानना, सब अधिकारी भी बैठे, सब लोग भी बैठे, जो जिस पद पर है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, तुम पद पर हो, हम पे बालाजी की कृपा है कि हमें गुरुजी ने, बालाजी ने व्यास पीठ पर बैठा रखा है, लेकिन इसके ऊपर भी हमारा एक कर्तव्य है, वो है सनातनीय हिंदू एकता। कर्तव्य का पालन करना, चाहे वो राजपीठ के लोग भी बैठे हैं, राजनेता भी बैठे हैं, तुम्हें भी सौगंध है सनातन धर्म की। तुम्हारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिर कटवा दिया पर झुके नहीं, और हम लोग झुक जाएं, क्या बुजदिल हैं? सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद के देश के लोग हैं हम लोग, स्वामी विवेकानंद की भूमि के लोग हैं। मुझे बड़ा दुख होता, और आजकल साधु ही साधु की निंदा कर रहा, एक सरकार दूसरी सरकार पर टारगेट। मैं प्रार्थना करूंगा, साधुओं को एक होना पड़ेगा, लड़ने से काम नहीं चलना है, शक्ति दिखाने से काम नहीं चलना। और शक्ति अगर सनातनी व्यक्ति को दिखाई तो क्या खाक दिखाई, शक्ति दिखाना ही है ना, सब सनातनी संत एक हो जाओ और इन विरोधियों को दिखाओ शक्ति क्या होती है। हमारी श्रद्धा बहन के साथ जो हुआ ना दिल्ली में, ईश्वर करे किसी के साथ ना हो। ये वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचा देना, ताकि कोई तो जगे, कोई तो जागे, किसी के अंदर तो सनातनी